बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सर सैयद। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ अचारी मसालेदार भिंडी। बहुत मज़े की, बहुत यम्मी होती है, बहुत इजी भी है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके घर में मौजूद होंगे, बहुत इजी आसान तरीके से बन जाएगी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। मसालेदार अचारी भिंडी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत है, क्या क्या हमें चाहिए होगा, तो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं दिल से थैंक्स कहती हूँ, और जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको बहुत इजी आसान रेमेडी मिलेंगी, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सर सैयद को, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। आज की वीडियो में मैं बनाऊँगी अचारी भिंडी, जो मसालेदार होगी, थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे इसमें, थोड़ा सा मज़े की स्पाइसी बनाएंगे। यहाँ मैंने लिए भिंडी और इसे मैंने काट लिया है, इतने बड़े टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया, ये है हाफ के जी। इसमें हम डालेंगे प्याज एक मीडियम चॉप कर लिए, दो टमाटर डालेंगे ये भी हमने चॉप कर लिया। इसमें मैं जो भी चीज़ें डालूंगी आपको बताती जाऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। मैंने लिया ऑयल और ये अच्छा सा गर्म हो गया। सबसे पहले हम भिंडी डालेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, जब ये हल्की गोल्डन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसे 4 मिनट हो गए, ये फ्राई हो गई है, मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए हमने निकाल लिया है, मैं इसे अलग रख दूंगी। इसी तेल में मैं डालूंगी जीरा 1/2 टेबल स्पून, थोड़ा सा हम डालेंगे कलौंजी 1/2 टीस्पून, मेथी 8 से 10 दाने, थोड़ा सा हम डालेंगे राई का पहाड़, मेरे मतलब है राई, तो ये हमने लिए बिल्कुल थोड़ी सी। तो इसमें हम 4 चीज़ें डाल लेंगे, जीरा, राई, कलौंजी, मेथी, थोड़ा सा कड़का डालेंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, अब मैं इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 टेबल स्पून भर के, और इसे भी हम सामने फ्राई कर लेंगे। मैं इसे भी फ्राई कर लूंगी 1 मिनट। एक मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, 2 टमाटर चॉप कर लिए हमने। मैं इसमें डालूंगी नमक 1/2 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसे दस्ते का रख दूंगी। 1 मिनट के बाद मैं इसे धीमी आंच पर रख दूंगी, टमाटर गल जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए। मैं इसे 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। टमाटर को मैश कर देंगे। मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर पेस्ट 1 टेबल स्पून, तो ये फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा है, तो हम इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबल स्पून दही। इसीलिए हम अपनी ग्रेवी ठंडी कर रहे थे कि हमें दही डालना है। अगर आप गरम गरम दही डाल देंगे तो दही फट जाएगा, बहुत ज़्यादा गरम ग्रेवी में आप कभी भी दही नहीं डालिएगा, वरना वो फट जाता है। अब हम डाल देंगे दही। दही डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छा सा, और फिर चूल्हा खोलेंगे। ये देख लीजिए, अच्छा सा मिक्स कर लिया हमने। अब मैं चूल्हा खोलूंगी और उससे भून लूंगी, चमचे चलाते रहेंगे मुसलसल। ये देख लीजिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। ये देख लीजिए सारा ऑयल ऊपर आ गया, ये देखिए अच्छा सा भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया।
अब मैं इसमें डालने की गर्म पानी हाफ कप, मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी। भिंडी हमारी सॉफ्ट है, नरम है और हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। भिंडी हमारी पक चुकी है फ्राई करते हुए, तो हम इसमें डाल देंगे भिंडी। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी जीरा पाउडर, मिक्स कर देंगे। हमें भिंडी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, मैं इसे सिर्फ दम पे 2 मिनट रखूंगी, फिर उसके बाद डिश आउट करते हैं। भिंडी हमारी पकी हुई है, मुझे सिर्फ 2 मिनट इसे ग्रेवी में रखना है, फिर उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। तो मैं 2 मिनट के बाद डिश आउट करती हूँ। ये देखिए जी, 2 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया था और ये बहुत मज़े का यम्मी बना है। इसे नान रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज उसे लाइक कीजिएगा, कुकिंग विद सर सैयद, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।